नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गेहूं की अगेती खेती करने के लिए किसानों ने 20 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया है गेहूं की बुआई। देश में खरीफ सीजन अपने आखिरी चरण में है, धान की फसल पककर तैयार हो गई है। इन दिनों देश में खरीफ फसल धान की कटाई जोरों पर है। वहीं देश के कई राज्यों में धान की कटाई करके मंडियों में भी धान की आवक शुरू हो गई है। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च ने रबी सीजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च ने किसानों को रबी सीजन में गेहूं की बुआई के लिए किसानों को तैयार रहने को कहा है। ICAR ने किसानों को अगेती गेहूं की किस्म की बुआई 20 अक्टूबर से शुरू करने की सलाह भी दी, तो किसानों ने इसकी बुआई भी शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को बोई गई गेहूं की फसल उगाई है। इसके साथ ही ICAR ने गेहूं की बुआई के समय बरती जाने वाली सावधानियां, अधिक उत्पादन के प्रभावी तरीकों की भी जानकारी दी है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जानते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च ने गेहूं की बुआई के लिए किसानों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च ने जारी की गई एडवाइजरी में किसानों को गेहूं की बुआई के लिए रोग मुक्त व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने की सलाह दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि बीजों का चयन करते समय एक ही किस्म के बीजों का प्रयोग करें, दो किस्मों के बीजों को एक साथ नहीं मिलाएं। वहीं किसानों को प्रमाणित बीज नहीं होने पर बीजों को उपचारित करने की सलाह दी है। बीजों को प्रमाणित करने के लिए थायरम और कैप्टन का प्रयोग किया जा सकता है। बीज उपचार करने की इस प्रक्रिया के बाद बीज को छाया में सुखाना चाहिए और बीज अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही खेतों में इसकी बुआई करनी चाहिए। प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।